welcome you all in our channel dr. agriculturist. i am devendra chaudhary. in this video, we are going to discuss about grapevine anthracnose, powdery mildew of grapevine, downy mildew of grapevine, grapevine anthracnose. this is also known as bird eye disease of the grapevine. the disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology disease cycle favorable condition and management this is for the course disease of field and horticultural crop and their management too. anthracnose disease of grapevine is caused by a fungus elsino ampelina the anamorph of the elsino is also known as especioma ampelinum सो so, ये जो स्पेसिलोमा है ये केवल कोनिडिया बनाता है और ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या फिर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाता है जब यही पैथोजन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या फिर सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है तो उसे इलसिनो कहते हैं अगर आपको डाउट है कि ये टिलोमार्फ या फिर एनामॉर्फ क्या होता है सेक्सुअल स्पोर्स या फिर एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें सिम्टम द फंगस अटैक्स सूट्स टेंड्रिल्स पेटियोल्स लिप्स स्टेम्स इंफ्लोरसेंस एंड बेरीज सो ऑलमोस्ट जो एरियल पार्ट है जो जमीन के ऊपर हैं उन सब में ये इंफेक्शन करता है सिम्टम्स ऑन द लिप्स स्मॉल इरेगुलर डार्क ब्राउन स्पॉट्स अपियर ऑन द लिप्स द सेंट्रल टिश्यू टर्न ग्रे एंड फॉल्स स्पॉट्स ऑन द पेट्योल एंड द लिप्स कॉज लिप कर्लिंग एंड द लिप्स बिकम डिस्टोर्टेड द स्पॉट्स आर अराउंड सेवन एम एम इन डायमीटर सो जब इसके सिम्टम लिप्स पे आते हैं तो ये स्मॉल इरेगुलर शेप के होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं बाद में ये जो स्पॉट्स हैं उनके सेंट्रल का जो कलर है वो ग्रे कलर का हो जाता है और ये पोर्शन टूट के गिर जाता है और जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो लिप्स में कर्लिंग होती है इसका जो लेमिना है वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं और इसका सेप डिस्टॉटेड हो जाता है मतलब बिगड़ जाता है सिम्टम्स ऑन द सूट्स न्यूमेरस स्पॉट्स अकर्स ऑन द यंग सूट्स यंग सूट्स में बहुत सारे स्पॉट्स बनते हैं दीज स्पॉट्स मे यूनाइट टू गडल द स्टेम एंड कॉज डेथ ऑफ द टिप आर मे कॉज डाइबेक सिम्टम जैसे कि ये टिप है यहाँ पर जब सिम्टम आता है तो ये पूरे स्टेम को घेर लेता है जिसके कारण से इसके जो ऊपर का पोर्सन है वो मर जाता है और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सिम्टम टिप साइड आते हैं और यह नीचे की तरफ ग्रो करते हैं तो इसी को डाइबेक सिम्टम कहते हैं सिम्टम्स ऑन द बेरीज जब ये पैथोजन बेरीज में इन्फेक्शन करते हैं तो राउंड और ब्राउन कलर के सनकन स्पॉट्स बनाते हैं मतलब कि आसपास के एरिया से ये थोड़े से धसे होते हैं और ये बर्ड्स के आई जैसा दिखाई देता है इसीलिए इसे बर्ड्स आई स्पॉट्स या फिर बर्ड्स आई डिजीज भी कहते हैं द सिम्टम अपीयर्स एज डार्क रेड स्पॉट्स ऑन द बेरी जो स्पॉट्स हैं उनका कलर डार्क रेड कलर का होता है ये है डार्क रेड कलर का इस स्पॉट्स इसके सेंटर का दूसरा कलर है चारों तरफ का दूसरा कलर है इसीलिए ये बर्ड्स की आई जैसा दिखाई देता है और ये है लीफ में सिम्टम लीफ में ये ब्राउन कलर के आते हैं बेरीज़ में ये डार्क रेड कलर के आते हैं और इस प्रकार से सिम्टम स्टेम में भी आते हैं यह डार्क ब्राउन कलर के लीजन्स हैं और यह स्टेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसके बाद यहां पर से जो फूड मटेरियल है वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाता और जो वाटर है वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाता इसके कारण से इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो मरने लगता है अब देखते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में द फंगस बिलोंग टू सब डिविजन एस्कोमाइकोटीना एंड क्लास लोक्यूलो एस्कोमाइसिड्स सो एस्कोमाइकोटीना में पांच क्लास हैं उनमें से एक क्लास है लोक्यूलो एस्कोमाइसिड्स और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि इसमें सुडोथीसिया बनता है सो so, ये जो फंगस है वो सुडोथीसिया बनाता है और सुडोथीसिया के अंदर में एसआई बनते हैं और इस एसआई के अंदर में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं तो इनका जो एस्कोस्पोर है वो हाईलाइन होता है और ये थ्री सेल्ड होते हैं मतलब कि ऐसे इसके एस्कोस्पोर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इनके माइसिलियम सेप्टेड, ब्रांच और डार्क कलर के होते हैं इनमें एसेक्सोअल स्पोर कोनिडिया बनता है और इनके कोनीडिया हाइलाइन होता है सिंगल सेल्ड होता है और थोड़े चपटे होते हैं ओब्लॉन्ग या फिर ओवॉइड होते हैं यह है इसके कोनीडिया जो कि ओवॉइड है अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्वाइवल जो कि इंफेक्टेड ट्विक्स में या फिर स्टेम में होता है प्राइमरी इंफेक्शन जो कि कोनिडिया माइसिलियम या एस्कोस्पोर के द्वारा होता है सेकेंडरी इंफेक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है और सेकेंडरी स्प्रेड विंड या रेन वाटर के द्वारा होता है पैथोजन सर्वाइव इन स्टेम एंड ट्विग्स एज माइसीलियम एंड सूडोथिसिया सुडोथीसिया से एस्कोस्पोर बाहर आएंगे और ये इसको स्पोर लीफ में स्टेम्स में टेंड्रिल्स में या बेरीज में इन्फेक्शन करते हैं ये पौधे में मल्टीप्लाई होते हैं और सिम्टम डेवलप होता है बाद में ये कोनिडिया और एस्कोस्पोर बनाते हैं ये फिर विंड या रेन के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये सोडोथीसिया के रूप में सर्वाइव करते रहते हैं फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन टू थर्टी वन डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट वाम वेट वेदर विथ कंटिन्यूस डीजल ऑफ रेन एंड विंडी वेदर एंड दिस वेदर शुड बी फॉर एट लीस्ट टू टू थ्री डेज लो लाइंग आर पोअर रेन सॉइल ससेप्टेबल वेराइटी हैवी रेन आफ्टर क्रूनिंग सो इन सब कंडीशन में डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है मैनेजमेंट ऑफ एंथ्रेक्नोज़ हमें एंथ्रेक्नोज़ के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए जैसे कि प्रोनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट्स जो भी इन्फेक्टेड पोर्सन है उन्हें काट के अलग कर देना चाहिए ट्रेनिंग ऑफ द वाइन्स हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे और ये जो ट्रेनिंग है वो रेनी सीजन से पहले ही कर लेना चाहिए ग्राउंड लेवल ब्रांच शुड बी रिमूव्ड सो ऐसे ब्रांचेज जो कि ग्राउंड को टच कर रहे हैं या फिर ग्राउंड के पास हैं उन्हें हटा देना चाहिए उसका एक रीज़न है जैसे कि ये सॉइल है ये प्लांट है और यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि सॉइल के पास हैं और ये जो पैथोजन है वो सॉइल में सर्वाइव करते रहता है फिर यहाँ पर से एस्कोसपोर बाहर आते हैं और जो सॉइल के पास वाला जो लीफ होता है उसमें पहले ये इंफेक्शन करते हैं बाद में यहां पर ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर यहां से ऊपर वाले लीफ में इंफेक्शन करते हैं इसीलिए सबसे पहले जो ग्राउंड के पास वाला जो लीफ है उसे रिमूव कर देना चाहिए वी शुड ऑलवेज ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक बेंगलोर ब्लू गोल्डन मस्कर्ड गोल्डन क्वीन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए या फिर ट्राइकोडर्मा को एफ के साथ मिक्स करके डालना चाहिए केमिकल मैनेजमेंट अगर डिजीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन बन रहा है उस कंडीशन में हमें केमिकल का स्प्रे करना चाहिए इसके लिए हम कार्बेंडाजिम या बेनोमिल या मिक्सर इसका स्प्रे कर सकते हैं और जो इसका स्प्रे है वो 15 डेज के इंटरवल में कम से कम चार बार करना चाहिए और ये जो डिजीज है वो मोस्टली रेनी सीजन के समय आता है इसीलिए हमें केमिकल का स्प्रे भी रेनी सीजन के समय ही करना चाहिए पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन इज कॉज बाई अंसिनुला निकेटर दिस इज अ फंगस सिम्टम द डिजीज अटैक्स वाइन्स एट एनी स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर अटैक्ड clusters and berry infection usually appear first powdery growth is visible on older berries and the infection result in the cracking of the skin of the berries powdery growth mostly appears on the upper surface of the leaves infection of stem leads to the dark brown discoloration floral infection result in the श्रेडिंग ऑफ द फ्लावर्स एंड पुअर फ्रूट सेट अर्ली बेरी इंफेक्शन रिजल्ट इन थ्रेडिंग ऑफ अफेक्टेड बेरीज यह है इनके सिम्टम्स पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स सभी एरियल पार्टस में आता है जैसे कि लेप्स टेंड्रिल स्टेम्स बेरीज जितने भी एरियल पार्ट्स हैं सब में आते हैं और इसका सिम्टम कैसे दिखाई देता है व्हाइट कलर का पाउडर जैसा स्ट्रक्चर प्लांट के सरफेस में दिखाई देता है अगर यह बेरी में आता है तो बेरीज में क्रैकिंग होती है अगर यह स्टेम में आता है तो ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देता है यहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन है ये पाउडरी मिलियो के कारण हुआ है और सबसे पहले इसके सिम्टम्स बेरीज में आते हैं उसके बाद यह स्टेम टेंड्रिल और लिप्स में भी फैलते हैं अगर इनका इन्फेक्शन फ्लावर्स में होता है तो फ्रूट सेट कम हो जाता है मतलब इन्फेक्टेड फ्रूट्स में फल की मात्रा कम हो जाती है पत्तों में इन्फेक्शन होने से वो समय से पहले मर जाते हैं और गिर जाते हैं तो यह था पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम इटियोलॉजी अंसिन्यूलर निकेटर बिलोंग टू सब डिविजन एस्कोमाइकोटीना और कौन सा क्लास पायरेनोमाइसिड्स सो so, जितने भी पाउडरी मिल्डी फंगस हैं वो एस्कोमाइकोटीना को बिलोंग करते हैं और पायरेनोमाइसिड्स क्लास को इनके माइसिलियम सेप्टेट होते हैं ब्रांच होते हैं और हाईलाइन होते हैं फोर इसमें कॉनिडिया बनता है और ये कोनीडिया किसी भी टाइप के फ्रूटिंग बॉडी में नहीं बनता बल्कि ये नेकेट बनते हैं कोनिडियोफोर जिस स्ट्रक्चर में कोनिडिया बनता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं और ये सिंपल वर्टिकल और अनब्रांच होते हैं मतलब ये माइसिलियम है तो ये हो जाएगा इसका कोनिडियोफोर और इसमें कोनिडिया बनते हैं ठीक है सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर होता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसिया होता है यह एक तरह का क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी है और इसमें सरसीनेट अपेंडेजिस होते हैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्सिनेट होते हैं ऐसे बढ़ते हैं और जो उनका टिफ है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इसी को कहते हैं सरसिनेट ये देखिए ये है क्लिस्टोथीसिया और इसमें सर्सिनेट अपेंडेजिस प्रेजेंट है और ये है माइसिलियम ये है कोनीडियोफोर कोनिडियोफोर सिंपल होता है अन होता है और इसमें कोनिडिया बनता है इनके जो कोनिडिया हैं, वो सोडोचेन बनाते हैं और थोड़ा सा भी हवा आएगा तो ये कोनिडिया हवा के साथ उड़ जाते हैं जैसे ये है प्लांट सरफेस तो ये प्लांट सरफेस के ऊपर में बनते हैं ये है कोनिडियोफोर और ये जो चमकीले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है कॉनिडिया डिजीज साइकिल प्राइमरी इंफेक्शन थ्रू डॉर्मेंट माइसिलियम एंड कोनी प्रेजेंट इन द इनफेक्टेड सूट एंड बर्ड जो अगले सीजन में डिजीज करेंगे या डिजीज को किसी न्यू एरिया में ले जाएंगे वो कौन होते हैं माइसीलियम और कोनीडिया जो कि इन्फेक्टेड सूट्स में या बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन ये एयरबॉन्ड कोडिया के द्वारा होता है मतलब कॉनिडिया ही बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में या एक भाग से दूसरे भाग में फैलाता है Disease cycle को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। Pathogen कहां करता है? क्रॉप डेवरिस एंड क्लिस्टोथीसिया के फॉर्म में सो so, क्लिस्टोथीसिया के अंदर में एस्कोस्पोर होता है वो एस्कोस्पोर रिलीज होता है फिर एस्कोस्पोर पौधे की पत्तियों के निचली सरफेस में इन्फेक्शन करता है और ये जो कोनिडिया है वो हवा में उड़ते हुए जाता है और पत्तियों में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के बाद सिम्टम डेवलप होता है हमें सफ़ेद कलर के पाउडर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं फिर कोनिडिया बनता है ये जो कोनिडिया हैं वो हवा के द्वारा दूसरे पार्ट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं तो कोनीडिया के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल होता है बाद में क्लिस्टोथीसिया बनता है गिरी हुई पत्तियों में क्लिस्टोसिया बनेगा अब यह सर्वाइव करते रहेगा तो यह हुआ पाउडर मिल्डो का डिजीज साइकिल फेवरेबल कंडीशन कूल एंड ड्राई वेदर टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 21 वन टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 टू 100 परसेंट मोस्ट इंसिडेंस इन नवंबर एंड दिसंबर इन इंडिया ठीक है So, यहां पे आप देख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 100 परसेंट है सो so, इतना कम कैसे वो इसलिए क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू का कोनिडिया ऐसा कोनेडिया होता है जिसमें 70 परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है मैनेजमेंट वी सुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्लीन कल्टिवेशन ऑफ वाइन्स और रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज पार्ट ऑर्चर्ड में जो भी डिजीज पार्ट है या इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है उसे रिमूव कर देना चाहिए हमें हमेशा रजिस्टेंट वेराइटी ही लगाना चाहिए जैसे कि ब्लैक प्रिंस सुल्ताना रेड इस्कीबा रेड एंड इस्कीबा वाइट स्प्रे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट फाइव परसेंट और नीम ऑयल थ्री परसेंट ट्वाइस एट टेन डेज इंटरवल सो so, दस दिन के अंतराल में हमें नीम ऑयल या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करना चाहिए स्प्रे स्प्रे और वेटेबल सल्फर और प्रोपिकोनाजोल और कैराथेन एट इनिशिएशन ऑफ द डिजीज एंड टेन डेज लेटर सो केमिकल भी अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो दो बार करेंगे दस दिन के अंतराल में या फिर अगर डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आती है और हम ये चाहते हैं कि बीमारी आए ही ना तो उसके लिए क्या करना है हमें एक स्प्रे शेड्यूल अपनाना चाहिए इसमें थ्री स्प्रे होते हैं पहला स्प्रे जब शूट्स तीन से चार इंच के हाइट के होते हैं तब करना चाहिए दूसरा स्प्रे फ्लॉरिंग स्टेज में करना चाहिए और तीसरा स्टेज दूसरे स्टेज के दो महीने के बाद करना चाहिए सो so, ऐसा करने से बीमारी बहुत कम मात्रा में आती है और नुकसान कम होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन इज कॉज बाई प्लाज्मोपेरा विटिकोला सिम्टम इरेगुलर येलोविस ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ऑन लोअर साइड ऑफ द स्पॉट्स डाउनी or cottony growth of the fungus can be seen symptoms appears on all aerial and tender part of the vine symptoms are more pronounced on the leaf young shoots and immature berries infected leaves shoots and the tendrils are covered by whitish growth of the fungus dwarfing of the tender shoots occurs बट देयर इज नो क्रेकिंग ऑफ द स्किन बेरी सो इसके सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं अगर हम अपर सरफेस में देखेंगे तो येलो कलर के ऑयली स्पॉट्स दिखाई देते हैं और अगर हम इसी स्पॉट्स के लोअर साइड में देखेंगे तो हमें कॉटनी ग्रोथ दिखाई देता है फंगस का मतलब वहां पर फंगस का ग्रोथ रहेगा तो वो ऐसा दिखाई देता है कि कॉटन के लिन्ड्स वहां पर प्रेजेंट है लेकिन वो फंगस के पार्ट्स होते हैं और ये जो सिम्टम्स हैं वो लिब्स में यंग सूट्स में और इमेच्योर बेरीज में आते हैं कैसे दिखाई देता है इसमें वाइट कलर का फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है लेकिन इसमें क्रैकिंग नहीं होती है सो so, याद रखने वाली बात है कि डाउनी मिल्ड्यू के कारण फ्रूट्स में क्रैकिंग नहीं होती है लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू के कारण फ्रूट्स में क्रैकिंग होती है और पाउडरी मिल्ड्यू में ऐसा लगता है कि सरफेस में पाउडर प्रेजेंट है लेकिन इसमें फंगस का थिक ग्रोथ दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं इटियोलॉजी प्लाज्मोपेराविटिकोला बिलोंग टू सब डिविजन मेस्टिगो माइकोटिना यह एक लोअर फंगस है और फैमिली है पेरोनोस्पोरेसी सो so, मेस्टिको में तीन फैमिली है अल्बुजिनेसी, पिथीएसी और पेरानोस्पोरेसी जितने भी मिल्ड्यू फंगस हैं वो पेरानोस्पोरेसी को बिलोंग करते हैं माइसीलियम हाईलाइन होता है सीनोसिटिक होता है मतलब इसके माइसीलियम में सेप्टेशन नहीं होता है और न्यूक्लियस कुछ दूरी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलुलर विथ नोब सेप्ड होस्टोरिया ब्रांच्ड सो ये माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं इंटरसेलुलर होते हैं ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इसमें नोब सेब का हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है ऐसे टाइप के हॉस्टोरिया होता है जो कि पौधे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है स्पोरेंजियो फोर ब्रांच होता है एट राइट एंगल सो so, ये है इसका स्पोरेंजियो इस फोर यहां पर जो ब्रांचिंग है वो राइट एंगल में है ऐसे जब ब्रांचिंग होती है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं राइट एंगल ब्रांचिंग सो so इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्रांचिंग हुई है वो राइट एंगल में हुई है 90 डिग्री के कोण में हुई है इस फोर में स्पोरेंजिया बनता है जो कि हाई लाइन होता है सिंगल सेल्ड होता है लेमन सेप का होता है और जर्मिनेशन के बाद जूस फोर्स बनाता है इसका जूस फोर्स कैसे होता है बाईफ जैसे ये जूस फोर्स है इसमें दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं एक फ्लेजिला विप्लेस जैसा होता है कोड़े नुमा होता है और दूसरे फ्लेजिला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे टेंसल फ्लेजिला कहते हैं बाद में इसमें उस फोर्स भी बनता है उस फोर्स सिंपल होते हैं डबल वॉल्ड होते हैं और स्पेरिकल होता है इसका डायमीटर 28 से 40 माइक्रोमीटर का होता है ठीक है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है वो है कि पैथोजन का सर्वाइवल कहां हो रहा है प्राइमरी इंफेक्शन किसके द्वारा और कहां पर हो रहा है सेकेंडरी स्प्रेड कैसे हो रहा है ठीक so, है सो डॉनी मिल्डू का सर्वाइवल होता है एज अ असपोर्स और माइसिलियम इन इन्फेक्टेड डेबरिस एंड इन्फेक्टेड पार्ट या इन्फेक्टेड डेबरिस क्या, क्या होता है कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट जो कि प्लांट से अलग हो गया है वो क्या कहलाएगा इन्फेक्टेड डेबरिस प्राइमरी इंफेक्शन प्राइमरी इंफेक्शन के द्वारा होता है सेकेंडरी स्प्रेड ये स्पोरेंजिया के द्वारा प्रोड्यूस्ड जूस फोर्स के कारण होता है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं पैथोजन कहां सर्वाइव कर रहा है प्लांट डेब्रिस में और इन्फेक्टेड पार्ट्स में उस पोर्स और माइसिलियम के रूप में सो so, अगले सीजन में यह माइसिलियम स्पोरेंजिया इस बनाएगा इस्पोरेंजिया से जूस पोर्स बनेगा और यह जूस पोर्स इंफेक्शन करेगा और यह ऊस पोर्स इसमें जर्मिनेशन होगा जर्मिनेशन के बाद जैसे ये ऊस पोर है ऊस पोर में जर्मिनेशन होता है जर्मिनेशन के बाद स्पोरेंजिया बनता है स्पोरेंजिया के अंदर में जूस पोर्स बनते हैं और यह फिर इन्फेक्शन करते हैं फिर सिम्टम डेवलप होता है लिप्स में बेरीज में सिम्टम दिखाई देता है प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया फिर से स्पोरेंजिया बनता है ये स्पोरेंजिया पोर्स बनाते हैं और ये विंड रेन और वाटर के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं इसे सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल कहते हैं बाद में ये सर्वाइव करते रहते हैं इन्फेक्टेड पार्ट्स में तो ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का लाइफ साइकिल आगे बढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसे कौन से कंडीशंस में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है तो वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 80 परसेंट टेम्परेचर इन बिटवीन 23 थ्री टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और इस पोरेंजिया के जर्मिनेशन के लिए 10 टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है मैनेजमेंट, वी शुड अडोप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक रेगुलेटरी मेजर्स, वी रिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल एट रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल सो दैट वी कैन मैनेज द डिजीज जैसे दो स्टेट हैं, एक स्टेट में डिजीज प्रेजेंट है दूसरे में एबसेंट है तो गवर्नमेंट को रूल लगाना चाहिए कि जहां पर डिजीज प्रेजेंट नहीं है वहां प्लांटिंग मटेरियल ऐसे जगह से इम्पोर्ट नहीं करना है जहां पर डिजीज प्रेजेंट है और जहां पर डिजीज प्रेजेंट है वहां से किसी भी प्रकार से प्लांटिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट होने से रोकना है सो रेगुलेटरी मेजर्स फार्मर के हाथ में नहीं होता है यह गवर्नमेंट का काम है कल्चरल प्रैक्टिस सैनिटेशन जितने भी इंफेक्टेड पार्ट्स हैं उन्हें ऑर्चर्ड से रिमूव करके जला देना चाहिए वेल ड्रेन सॉइल जो सॉइल है उसमें अच्छी तरीके से ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें पानी जमा नहीं होने देना है गुड एयर मूवमेंट हमें रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करनी चाहिए जिससे कि ऑर्चर्ड में हवा अच्छे से मूव कर सके बायोलॉजिकल कंट्रोल एक बैक्टीरिया है अरविनिया हर्बिकोला इसका हमें यूज करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए हमारे अपने ऑर्चर्ड में यह देखा गया है कि अर्वीनिया हर्बी कोला के कारण से पचहत्तर परसेंट डिजीज कंट्रोल हो जाती है ठीक है फाइव स्प्रे आप केमिकल्स फाइव स्प्रे आप केमिकल्स लाइक फोस्टाइल एल्यूमिनियम जीरो प्वाइंट टू परसेंट मेटाल एक्सिल जीरो पॉइंट टू परसेंट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सो इन केमिकल का हमें पांच बार स्प्रे करना चाहिए और उसका एक शेड्यूल है वो इस प्रकार है पहला स्प्रे प्रूनिंग के बाद दूसरा स्प्रे प्रूनिंग के तीन से चार वीक के बाद तीसरा स्प्रे जब बड ओपन हो रहे है उस समय चौथा स्प्रे जब बेरी बन रहे है उस समय और पांचवा स्प्रे सूट्स के ग्रोथ के समय अगर हम इन केमिकल्स को इस प्रकार से स्प्रे करेंगे तो ऑर्चर्ड में बीमारी बहुत कम मात्रा में आएगी और इकोनॉमिक लॉस बहुत कम होगा तो इतना था डॉ मिल डू आप ग्रेप पॉइंट के बारे में प्लीज वॉच मोर वीडियो फ्रम चैनल यू कैन डाउनलोड लेक्चर पीडीएफ फ्रॉम टेन टेलीग्राम चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉलो आवर फेसबुक पेज की जानकारी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो